संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के झूठ को भारत करेगा बेनकाब, राइट टू रिप्लाई के तहत देगा करारा जवाब। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने 50 मिनट के भाषण में इमरान ने उगला जहर, कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान तक झूठ का खोला पुलंदा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इमरान के सिर पर जंग का भूत रहा सवार, कहा परमाणु युद्ध छिड़ता है तो दुनिया पर होगा असर। कश्मीर राग अलापने वाले इमरान के बिगड़े बोल, अनुच्छेद 370 से हटाए जाने से बौखलाए इमरान खान ने कहा कश्मीर में कर्फ्यू हटते ही होगा खून खराबा। इमरान ने आतंकवाद की बहस में धर्म को घसीटा, कहा 9/11 से पहले श्रीलंका में हिंदू आत्मघाती करते थे हमले। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इमरान खान के भाषण में इस्लामोफोबिया, मुस्लिम और इस्लाम ही छाया रहा, 71 बार किया जिक्र। इमरान खान ने भाषण के दौरान लड़ने मरने और हथियार उठाने पर दिया जोर, कश्मीर मसले पर मुस्लिम कार्ड खेलते हुए 130 करोड़ मुसलमानों को उकसाया। इमरान खान ने कूटनीतिक लहजे का भी नहीं रखा ख्याल, अपने भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी पर भी करते रहे निजी हमले, 12 बार पीएम मोदी का लिया नाम। कश्मीर मसले को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया करारा झटका, पूछा आपको मुसलमानों की चिंता सिर्फ कश्मीर में क्यों, चीन में क्यों नहीं। अमेरिका ने आतंकवाद को लेकर भी पाकिस्तान को घेरा, कहा हाफिज सईद मसूद अजहर पर लो कार्रवाई। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन, अल्पसंख्यक समुदाय ने पाकिस्तानी सेना के जुल्मों सितम पर लगाए नारे। न्यूयॉर्क में सिंधी बलोच लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर के करीब आवाज की बुलंद। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ग्लोबल लीडर की तरह पीएम मोदी ने दिया भाषण, 17 मिनट के भाषण में दुनिया का दिल जीता, न्यूयॉर्क से दिल्ली के लिए देर रात हुए रवाना, आज रात पहुंचेंगे दिल्ली। अमेरिका के दौरे से दिल्ली लौटने पर पीएम मोदी का होगा भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पर करीब 20,000 लोग होंगे मौजूद। यूएन में मोदी ने दुनिया को दिया शांति का संदेश, कहा हम उस देश के वासी हैं जिसने युद्ध नहीं बुद्ध दिया। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को घेरा, कहा आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती। हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। संयुक्त राष्ट्र महासभा से प्रधानमंत्री ने दिया सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जिक्र, कहा हम जन कल्याण से जग कल्याण की सोचते हैं बात। यूएन से पीएम मोदी ने पर्यावरण के लिए भी लिया संकल्प, कहा भारत में चल रही है सिंगल यूज प्लास्टिक से छुटकारे की मुहिम। पीएम मोदी ने यूएन के भाषण में भ्रष्टाचार पर भी किया प्रहार, बोले $20 बिलियन से ज्यादा बचाए। डिजिटल आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम चलाता है, उनको बायोमेट्रिक पहचान देता है, उनका हक पक्का करता है, भ्रष्टाचार को रोककर करीब $20 बिलियन से ज्यादा बचाता है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर के बाहर मोदी के स्वागत में जुटे हजारों लोग, भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी के लगाए नारे। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने डेमोक्रेटिक पार्टी की हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली रवाना होने से पहले न्यूयॉर्क में बांग्लादेश, भूटान और मॉरिशस के नेताओं के साथ की बैठक, द्विपक्षीय मसलों पर हुई चर्चा। नौसेना के बेड़े में आज शामिल होगी पनडुब्बी खंडेरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखाएंगे हरी झंडी। आईएनएस खंडेरी से भारत की नेवी की क्षमता में कई गुना इजाफा, 40 से 45 दिनों तक सफर करने की आईएनएस खंडेरी की है क्षमता। भारत के समुद्री तट पर आतंकी हमले की खुफिया जानकारी के बाद कोस्टल और मैरिटाइम सिक्योरिटी मुस्तैद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा अक्टूबर में, एलओसी पर 4,000 आतंकियों की करा सकता है घुसपैठ। खुफिया एजेंसियों ने एलओसी के करीब सुरक्षा बलों को किया अलर्ट, एलओसी पार 31 जगहों पर पाक सेना और आतंकियों को किया स्पॉट। पाकिस्तानी सेना और जमात उल हदीस ने 3,000 से 4,000 युवकों को दी ट्रेनिंग, मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का नया फ्रंटल संगठन है जमात उल हदीस। युवाओं को माइंड वॉश करके एलओसी से इलाकों में भेजने का पाकिस्तानी सेना ने बनाया प्लान, सूत्रों के मुताबिक इसी भीड़ में बैट के सदस्यों को भी भेजेगी पाक सेना।
पाकिस्तान सीमा पर एक और ड्रोन मिलने से सनसनी। अटारी बॉर्डर पर एक और ड्रोन मिलने की पुलिस कर रही जांच। तरन तारण में बीएसएफ के आला अधिकारियों ने सीमावर्ती इलाके का किया दौरा। एक दिन पहले ड्रोन से हथियार की खेप भेजने का हुआ था खुलासा। कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने पर सियासत तेज। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। वसुंधरा राजे ने नेहरू की नीतियों पर उठाया सवाल। कहा अब्दुल्ला से दोस्ती की वजह से नेहरू ने लगाया था अनुच्छेद 370। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना। कहा अनुच्छेद 370 पर लोगों को बरगलाया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद परिसीमन का ऐलान। आदिवासियों के लिए विधानसभा में 9 सीटें और लोकसभा की 1 सीट होगी रिजर्व। अलीगढ़ में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्र से आज मिलेंगे सीएम योगी। राज्य सरकार से वार्ता का इन छात्रों ने किया स्वागत। एनसीपी नेता अजीत पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। शरद पवार ने अजीत पवार की राजनीति छोड़ने का दिया संकेत, लेकिन अजीत पवार के बेटे ने किया खारिज। दिल्ली में किफायती कीमत पर प्याज बेचेगी केजरीवाल सरकार। आज कई इलाकों में प्याज से भरे वैन को सीएम केजरीवाल दिखाएंगे हरी झंडी। नारदा स्टिंग मामले में बीजेपी नेता मुकुल रॉय को सीबीआई ने भेजा समन। आज दोपहर होगी पेशी। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिनों का कोलकाता का दौरा। सियासी हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं को लिए करेंगे तर्पण। दंतेवाड़ा में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी देवती कर्मा की जीत मिलने के लिए समर्थकों का लगातार था। देवती कर्मा समेत भावुक हुआ पूरा परिवार। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की खुदाई करने वाले एएसआई के तत्कालीन पुरातत्वविद के मोहम्मद का दावा। लेफ्ट इतिहासकारों ने मुद्दे को भटकाया। हिंदू समुदाय को काफी पहले ही दे देनी चाहिए थी विवादित जगह। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसानों का प्रदर्शन। नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ की नारेबाजी। कोलकाता एयरपोर्ट पर कर्मचारियों की भूख हड़ताल जारी। निजीकरण के खिलाफ केंद्र सरकार को बड़े आंदोलन की दी धमकी। बीरभूम में विश्व भारती के छात्रों का प्रदर्शन खराब खाने को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ निकाली भड़ास। सिलीगुड़ी के नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में लगी आग, एक शख्स की मौत। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ मुंबई में एकजुट हुए लोग। वरिष्ठ नागरिकों के साथ छात्रों ने भी प्रदर्शन में लिया हिस्सा। बिहार के खगड़िया में रिंग बांध टूटा, कई गांव में आई बाढ़। शिवर में 3 दिनों की बारिश से हाई अलर्ट। डीएम ने अधिकारियों की छुट्टियां की रद्द। कटिहार में बाढ़ का कहर। लगातार हो रही बारिश ने बाढ़ पीड़ितों की और बढ़ाई मुश्किलें। झारखंड के रामगढ़ के रजरप्पा में दामोदर और भैरवी नदी उफान पर, कई दुकानें जलमग्न। मूसलाधार बारिश से हैदराबाद के निचले इलाके में जलजमाव। तेज बारिश में कई गाड़ियां बह गई। आगरमालवा में पुल पार करते समय तेज बहाव में बाइक समेत बहा युवक, लोगों ने दौड़कर बचाई जान। मध्य प्रदेश के सागर में मासूमों की हत्या के विरोध में वाल्मीकि समाज का विशाल प्रदर्शन। प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर फांसी दिए जाने की मांग की। कन्नौज के बाद अब महोबा में अभद्र टिप्पणी करने पर वकील और लेखपाल भिड़े। दोनों पक्षों को एसडीएम ने बुलाकर मामला शांत कराया। दिल्ली पुलिस ने पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लगाने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। फरीदाबाद में 3 तलाक का मामला सामने आया, केस दर्ज। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। यूपी के बस्ती में नाबालिग बच्ची से रेप, पुलिस ने आरोपी को भी नाबालिग बताया। मथुरा में संदिग्ध रूप से झुलसे प्रेमी प्रेमिका, प्रेमिका की मौत, प्रेमी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मुजफ्फरनगर में बदमाशों के साथ पुलिस की 50 मिनट में 2 मुठभेड़। 2 अपराधी को लगी गोली, जबकि 3 भागने में कामयाब। वाराणसी में सेना की फर्जी वर्दी में घूमने वाले शख्स गिरफ्तार। बेरोजगारों को सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर ऐंठता था पैसे। बरेली में सरकारी दफ्तर में जुआ खेल रहे 10 जुआरी को पुलिस ने पकड़ा, लाखों की रकम भी जब्त। हापुड़ में 4 घंटे में दूसरी बार हुई मुठभेड़, बदमाश घायल। देवरिया में महिला कांस्टेबल सुसाइड मामले में आरोपी सिपाही को भेजा गया जेल। खुदकुशी से पहले आरोपी सिपाही से फोन पर हुई थी बात। बिहार के हाजीपुर में कारोबारी के घर में घुसकर पुलिस ने की मारपीट। पीड़ित ने थानेदार सहित कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोर्ट में दर्ज करवाया केस। आगरमालवा में अपराधियों के हौसले बुलंद, पुलिस पर ही दागी बंदूक की गोली। घायल पुलिसकर्मी को उज्जैन किया गया रेफर। बरेली में हनुमान मंदिर में चोरों ने हाथ किया साफ, दान पत्र का ताला तोड़कर ले गए पैसे। अयोध्या में रिश्वत लेते सीएमओ गिरफ्तार, विजिलेंस की टीम ने घर से घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। आजमगढ़ में एंटी करप्शन की टीम ने गन्ना विकास विभाग के वरिष्ठ सहायक को किया गिरफ्तार, 50,000 घूस मांगने का मामला। राजस्थान के करौली में इलाज के दौरान एक शख्स की मौत, झोला छाप डॉक्टर फरार। बोधगया के होटल रिजेंसी में डांसर लड़कियों के साथ अश्लीलता करने और मारपीट के मामले में केस दर्ज। मेडिकल रिपोर्ट में 2 लड़कियों के साथ दुष्कर्म का मामला मिला। कटरा में नवरात्र के मौके पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात।
पुरी में एक पार्टी में दो शख्स ने हवा में धनाधन की फायरिंग, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने जांच शुरू की। हैदराबाद में एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने दिया धरना, निजीकरण के खिलाफ उठाई आवाज। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, दो पुलिसकर्मी समेत 10 बीजेपी कार्यकर्ता घायल। ओडिशा के जाजपुर में 30 साल से जंजीरों में बंधे मानसिक रूप से बीमार शख्स को मिलेगी आजादी, डीएम ने जंजीर खोलने के दिए आदेश। असम में जंगली हाथी के हमले में एक युवक की मौत, परिवार में पसरा मातम। ऊधमसिंह नगर में हाथियों का तांडव, गांव में घंटों तक मचाया कोहरा। महोबा में बारिश और तेज हवाओं से गिरा बरगद का पेड़, 3 लोगों की मौत, 2 जख्मी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग के छोटे भाई बने एचपीसीए के अध्यक्ष, इससे पहले 17 साल से अनुराग ठाकुर थे एचपीसीए के अध्यक्ष। शिमला में सेब फेस्टिवल का आयोजन, विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर 2 दिनों का रखा गया है कार्यक्रम। दिल्ली में रामलीला मंचन से पहले कलाकारों ने बांधा समा, पॉप सिंगर जस्सी ने लोगों को थिरकने के लिए किया मजबूर। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की बड़ी तारीख, 31 अक्टूबर तक भर सकेंगे रिटर्न। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 8वीं पास की शर्त खत्म, अब बिना पढ़े लिखे लोग भी बनवा सकते हैं लाइसेंस। फेस्टिव सीजन से पहले फ्लिपकार्ट का बंपर ऑफर, 1 लाख की शॉपिंग करके बाद में पैसा चुकाने का विकल्प। एमजे एक्टर के चहेतों के लिए खुशखबरी, आज से दोबारा बुकिंग शुरू करेगी कंपनी। 31 अक्टूबर को ब्रेग्जिट के बाद 1 हफ्ते तक बंद रहेंगे जैगुआर लैंड रोवर के प्लांट्स, बीएमडब्ल्यू टोयोटा के प्लांट्स में भी 1 नवंबर को बंदी। भारत के पी कश्यप ने कोरिया ओपन के पुरुष एकल के सेमीफाइनल में बनाई जगह, डेनमार्क के जॉर्गेंसन को 24-22, 21-8 से हराया। भारत के खिलाफ इकलौते अभ्यास मैच में जबकि दक्षिण अफ्रीका के ओपनर मार्क्रम बोर्ड अध्यक्ष एकादश के खिलाफ बनाया शतक। सुरेश रैना ने जताई टीम इंडिया की वापसी की उम्मीद का, टी20 वर्ल्ड कप में सुलझा सकते हैं नंबर 4 की गुत्थी। पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन बने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष, 100 वोट से दर्ज जीत की। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर लांस क्लूजनर बने अफगानिस्तान के नए कोच, अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप तक रहेंगे टीम के साथ। अफगानिस्तान में आज राष्ट्रपति का चुनाव, अशरफ गनी और अब्दुल्ला से के बीच मुख्य मुकाबला। नीदरलैंड के हेग में जलवायु परिवर्तन को लेकर हजारों लोगों का प्रदर्शन, पोस्टर बैनर के साथ उठाई आवाज। पुर्तगाल के लिस्बन में जलवायु परिवर्तन के प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों से पुलिस की भिड़ंत, सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को दूसरे जगहों पर ले गई पुलिस। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग को लेकर डेमोक्रेट हमलावर, विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो से यूक्रेन सरकार के साथ संपर्क के दस्तावेज सौंपने को कहा। चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर गहराया, चीन ने अमेरिका को चेताया, कहा यह विवाद दुनिया को मंदी की तरफ धकेल देगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।